यहाँ से सबसे पहला काम क्या है, इसमें हमें नेट ओरिजिन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आईपी देते हैं, इसको क्या आईपी देना है, यहाँ पर यहाँ कर देते हैं, इसको देना है 192.168.10.10.1। ये ऐसा करते हैं, 1 की सीरीज कर लेते हैं 1.1 स्लैश करके कितना करना है आपको 30। यहाँ क्या करते हैं 192.168.1.2 स्लैश करके 30 हो जाएगा। इसमें हम आई पी देते हैं 192.168.2.1 स्लैश, ये भी 30 कर देते हैं। इधर मेरे पास 192.168.2.2/30 हो जाएगा आपका। इधर हम क्या करते हैं 192.168.3.1/30। यहाँ पर आई पी देते हैं 192.168.3.2/30। इधर ये सेट कर दिया हमने, इस पर सेट कर देते हैं हम यहाँ पर 192.168.4.1/30। और यहाँ पर मेरे क्लास लेस इसलिए रंग से थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर हो, 192.168.1 हम सिंपल ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा, 4.2/30। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ 192.168.5.1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ जाएगा 5.1/30। 192.168.5.2/30 यहाँ पे आई पी लेना आपको 192.168.1.6.1/30 यहाँ पे आई पी देना है आपको 192.168.6.2/30। देखो जी ये पूरा सबनेट यहाँ पे हमारा बन गया, इसको थोड़ा सा साइड में इधर लगा देते हैं। और ये लग गया आपका, इसको अंदर लगा देते हैं, इधर लगाते हैं इसको, ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट, एक इधर लूपर बना देंगे हम, इसमें एक लूपर कैटा सॉल्व ले लेते हैं इसमें 3.3.3.3/32 लूपर का सूत्र सीधा हम लेते हैं 1.1.1.1/32 ये इसमें लगा दिया। और यहाँ ले लेते हैं एक और 2.2.2.2/32 ये हमारा इसमें सेट हो गया थोड़ा। देन अब आपको क्या करना है ना, काम स्टार्ट करना है, हमें बस आई पी देना है उस पर प्रोसेस पे, इसे साइड में रखते हैं, एक तरफ से देखते चलते हैं तो उसका आई पी चिपकाते चलते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर दो, सबसे पहले लो करोगे, इनेबल करोगे CONFCONF, इस पर स्टिक करोगे, आप इसमें होस्ट नेम दोगे राउटर वन, होस्ट नेम राउटर वन। सबसे पहले राउटर वन देने के बाद पहले इस पोर्ट पे आ जाओ, पहले आप कौन सा पोर्ट है, CL0/0/0 IIT इंटरफेस CL0/0/0 आईपी एड्रेस, क्या आई पी देना आपको 192.168.1.1/255.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 
मिनट पर मिलते हैं। एग्जिट करके बाहर आ जाओगे आप। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पोर्ट पे आना है वन पर।
कि आईपी देना आपको इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, 2.1 करना है आपको, तो यहाँ पर बस मैं 2 कर लेता हूँ इसमें 2.1, और तो सब कुछ सेम रहेगा। देन नो सेट कर दो, ये इधर का काम कंप्लीट हो गया। एक और देना है इसमें 1.1, एग्जिट करके बाहर आ जाओ। तो इसमें आपको क्या देना है, लूप बैक एड्रेस देना है। तो देखिए लूप बैक, इतने सारे लूप बैक बना सकते हैं, देखिए इतने सारे लूप बैक एड्रेस टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लूप बैक को। लूप बैक का पहला है 0, पहला 0 से स्टार्ट करते हैं उसको। आई पी एड्रेस 1.1.1.1 देन 255.255.255. मैं चाहूँ तो 0 कर सकता हूँ या सीधा सीधा 255 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और नो सेट तो बाई डिफॉल्ट हमें इसमें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से अप हो गया आपका ओपो, ठीक है। इतना काम इधर कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको इस पे आ जाना है आपका राउटर 2 पर। नो करोगे, इनेबल किया, CONF किया, होस्ट नेम दे दो पहले आप इसमें, होस्ट नेम राउटर 2, ठीक है। अब आपको INT इंटरफेस सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस क्या देना आपको 192.168.1.2/255.255.255.252, ठीक है ना। देन क्या कर दोगे, नो SSGT सेट, पोर्ट आपका ग्रीन हो गया। इधर का काम तो हो गया जी कंप्लीट। अब मेरे पास इधर ये नीचे पोर्ट और बचे हुए हैं, एग्जिट करके बाहर आ जाओ। INT इंटरफेस एक तो गीगा बिट 0/0 है, एक मेरे पास INT गीगा बिट 0/0। क्या क्या आईपी देना है आपको, IP ADD एड्रेस 192.168.1.3.1 आपको दूसरे पोर्ट पे आना है गीगाबिट 0/ तो यहाँ पे आपको गीगाबिट 0/1 पे आ जाना है आपको। आईपी क्या देना है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, क्या देना 4.1, यहाँ से कर दूंगा 4.1, ठीक है। देन नो सेट कर दूँ, इधर का काम भी कम्प्लीट हो गया। अभी ऐसा करते हैं हम यहाँ पे और कर लेते हैं इन पे पहले काम, उसके बाद उधर चलते हैं हम। तो यहाँ से मैंने इसको निकाला, इसमें सर पीसी लगते ही नहीं है, अब पीसी लगते नहीं, हैं पीसी लगाते क्यों नहीं, इधर जो है नेटवर्क बना, इधर नेटवर्क, तो मैं आपको सिनेरियो को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। पीसी लगेंगे क्यों नहीं लगेंगे, अलग अलग एरिया में, जैसे एक एरिया ये है तो यहाँ पे आप अपना क्या बनाओ, एक नेटवर्क बना लो। सबको यहाँ पे आपका एक सबनेट चल रहा है, वन का सबनेट, यहाँ पे कुछ और सबनेट चल रहा है, तो कुछ और। तो ये लूप बैक मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे आपका एक सबनेट चल रहा है, यहाँ पे एक सबनेट चल रहा है, यहाँ पे एक सबनेट चल रहा है, इसके लिए मैं आपको लूप बैक लगा लिया टेस्टिंग के लिए। इनेबल किया मैंने इसमें CONF. अब मुझे इसमें जो आई पी देना है वो गीगाबिट 0/0 पर देना है। तो होस्ट नेम तो राउटर 1, 2, 3, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राउटर 4, INT इंटरफेस गीगाबिट 0/0, आईपी एड्रेस क्या आईपी एड्रेस देना आपको 192.168.3.2 देन 255.255.255.252 देन क्या कर दोगे नो एसएचयूटी सर, वो शटडाउन कर दिया, ये हो गया। एक लूप बैक और डाल दो इसमें, एग्जिट करके आपको इसमें लूप बैक डालना है। तो INT इंटरफेस लूप बैक 0, फिर ऐसे ही कर सकते हैं, हो गया। आप आईपी एड्रेस 2.2.2.2.255.255.255.255, इधर का काम हो गया कंप्लीट, इधर भी आ जाओ। Enable CONF. Hostname क्या करना है इसमें आपको, राउटर 5 INT इंटरफेस गीगाबिट 0/1
आईपी एड्रेस 192.168.4.2 and 255.255.255.252. Then carry over the more SSID set. Exit करके बाहर आ जाइए. ठीक है जी. अब हमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है. इधर आ जाओ. इस पोर्ट पे तो बता दिया था. इस पे करना है हमें. Enable CONF font space T INT interface hostname router 3 INT interface serial 0/0/0/1 पे आ जाते हैं. IP address .192.168.2.2 6.1 देना है इसमें आपको. इधर का काम कंप्लीट हो गया. नो करना है आपको. 1 2 3 4 5 6 इसको सिक्स देना है. router 6. ठीक है राउटर 6 पे आप आ गए. आईपी एड्रेस वो भी आपको आईपी एड्रेस देना है 192.168.255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 .
इस कमांड को यहाँ से कॉपी करो, आ गया। देन मूव एक्सेक्यूटिव स्टेटस आपका हो गया, यहाँ का काम तो हो गया कंप्लीट जी। यहाँ पे तो एक ही आईपी लेना है बस, उस पर आ जाओ बस। लास्ट इस पर दो काम करने हैं, लूप बैक भी देना है। मेबल सी ओ एन एफ वन एस प्लस टी, सबसे पहले पोस्ट नेम डाल दो, उस पर फाइव सिक्स सेवन आई एन टी इंटरफेस, कौन सी इंटरफेस पे आना है आपको, गीगाबिट जीरो स्लैश वन आई पी एड्रेस, टू भी आपको आई पी एड्रेस देना है आपको ना जीरो स्लैश वन से कनेक्ट करना, ठीक है ना।
अभी ग्रुप पे कोड लगाना हमें इसमें, देखिए आईपी इंटरफेस ग्रुप पे जीरो आईपी एड्रेस सब कुछ सेट हो गया आपका, इसको हम एक नेटवर्क मान के चल रहे हैं। यहाँ पे पीसी लगे हैं उस नेटवर्क में आपके 50 60 100 200 जो भी आपके लगे, तो जब मैं टेस्टिंग करूँगा तो इस पीसी से पिंग करके चेक करूँ कि वहाँ पर कोई पीसी है, वहाँ पर अगर डेटा जा रहा है या, इसलिए सेल्फ टेस्टिंग के लिए मैंने इसलिए ये लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया पूरा काम आपका इधर से कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, इनको डिजाइन करना है एरिया के अंदर, तो मैं यहाँ का यहाँ पूरा का पूरा एक एरिया बना देता हूँ इसका। ये सारे के सारे कोड का एक एरिया बन जाएगा, मैं पूरा का पूरा एक एरिया बनाऊंगा यहाँ पर। और ये पूरा एक इसमें कलर कैसे कलर है, इसको सेलेक्ट कलर ऑन और लाइन जो ब्लैक वाला है ये अक्षर बनाओ में तब जाके देखते हैं ये सब जो है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस एक समझने के लिए हो गया आपका। देखो जी ये मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एरिया जीरो में रखने वाला हूँ, एरिया जीरो, इसको एरिया एरिया वन रखने वाले हैं, इसको एरिया वन टू रखने वाले हैं, ठीक है जी। इस तरह से एरिया वाइज हम इसे डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे ये बस आप देखते चलिए, ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या कहा, इसको भी हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं, इसके दोनों के दोनों पोर्ट इसमें रहेंगे, एरिया जीरो के अंदर रहेंगे। तो मैं राउटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मल्टीपल एरिया हमने कंसेप्ट यूज किया, मल्टी एरिया कंसेप्ट। कौन से कोड में आप आ रहे, सबसे पहले हमारे पास इसमें देखना है डू sh ip ru, हमारे जो खुद के रूट होते हैं वही हमें ऐड करने हैं। तो एक हमारे पास ये रूट है, ये ऐड करना है आपका, एक ये ऐड करना है, एक हमें तीन रूट ऐड करने हैं इसमें। ओ राउटर ospf कुछ भी दे दो, ये प्रोसेस आईडी होती है इसकी, ठीक है। नेटवर्क कमांड आप इसमें टाइप करोगे, नेटवर्क कमांड आप इसमें टाइप भी तो नंबर बता रहा है। तो हमारे पास पहला नंबर है आपका 1.1.0.0.0, तो 1.0.0.0, ठीक है जी, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास क्या होगा इसका, वाइल्ड कार्ड मास से उसका ठीक है, सारे के सारे क्या आपका, जैसे कि 0.0.0.0
इसको जीरो से स्टार्ट करना है। तो पहला सबनेट आपने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया एक सबनेट आपका, ये चल रहा है आपका वन डॉट, ये तो ये सबनेट हो गया आपका एक है वन डॉट जीरो का सबनेट। तो यहाँ से आपने लिया वन डॉट जीरो का सबनेट 192.168.1.0 का सबनेट है। अब इसका 30 है इसके अकॉर्डिंग, तो 30 का मतलब कितना रहेगा 0.0.0.0 देन एरिया क्या रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 2 हो गए। तीसरा सबनेट मेरे पास और है, कौन सा आपका 2.0, इसको भी ले लो 2.0 और तो सब सेफ रहेगा इसे। ये राउटर वन का काम हो गया। अब हम आ जाते हैं राउटर टू पर। राउटर टू पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है SHIP ROUTER। हमारे पास ये जो रूट है ना आपका 1.0 का रूट, ये तो जीरो में रहेगा, ये इधर के किस में आ जाएंगे, वन में आ जाएगा आपके CONF1 राउटर OSPF 10 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। सर जो प्रोसेस आईडी है नेटवर्क से, मतलब हमें 192.168. पहला सबनेट आपका है सी का, मतलब 1.0, तो इसमें हमने ले लिया 1.0। सबसे लास्ट में आप आ जाओगे उसमें आप लोगे 1.0, उसके बाद 0.0.0.3 ये ठीक है, कोड में आ जाएगा आपका। देन एरिया क्या रहेगा इसका, ये जीरो रहेगा, 1.0 का नेटवर्क इसके अंदर रहेगा आपका, जीरो के अंदर 1.0 इसमें रहेगा आपका, जीरो के अंदर इसका एक एरिया जीरो से कनेक्टेड है आपका। देन एग्जिट करके आप बाहर आ जाओ, नहीं सॉरी गलत हो गया, मुझे फिर उसी में आना पड़ेगा। आ गया। अब मेरे पास जो दूसरा, देखिए बन गया आपकी लेबर से कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास और सबनेट भी हैं, कौन कौन सबनेट है मेरे पास, 3.0 का सबनेट और 4.0 का सबनेट। देखो जी ऊपर 3.0 और 4.0, सी का मतलब 3.0 और यहाँ सी का मतलब 4.0, ये दो और ऐड कर लो 3.0 देन 0.0.0.3 देन एरिया, एरिया क्या रहेगा इसका, नेटवर्क गलत कर दिया हमने इसमें, अब लेने में इसमें तो देखिए कौन सा है 3.0 0.0.0.3 देन एरिया ये आपका वन में आ जाएगा, 4.0 भी वन में आ जाएगा आपका, 4.0 भी इसमें आ गया आपका वन में आ गया। तो देखिए इधर के दोनों हो गए, तीनों पोर्ट आपके आ गए। इधर अलविदा कह दो उसको, इधर दो बचे आपके, इनको और ऐड कर लो इनेबल CONF1 SHIP ROUTER। हमारे पास सी का मतलब क्या हो गया, एक ये दो रूट है, दोनों ही किसमें आएंगे आपके वन के अंदर आएंगे, राउटर OSPF 10 आ गया। नेटवर्क हमें जो कौन सा लेना है इसमें 2.0.0.0 पूरा वन में रहेगा। अब दूसरा एरिया मेरे पास ये है, इसमें कौन सा सबनेट है आपका 3.0 का सबनेट है 3.1 कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ पर उस पर आ जाओ इनेबल
CONF कॉल स्पेस की है डू SHIPRUT हमारे पास यहाँ पे 4.0 का सबनेट है ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है 4.0 का सबनेट आपका है। तो राउटर OSPF एंड नेटवर्क 19.0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 .
इधर भी कंप्लीट हो गया, इधर ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया आपका ये पूरा का पूरा, ये नेवर से पाथ भी आ गया यहाँ पर, फुल पाथ बन गया, इधर भी आ गया उधर से, ये देखिए आ गया था, इधर पूरा का पूरा सबनेट चल रहा है आपका। कहाँ करना है आप काम आपको, इसमें बस एक कोड का आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ डू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है तो सिंपल यही है। तो आपको 2.0 का जो सबनेट है, देखो ये वाला सबनेट, ये किस में रखना है, 0 में रखना है। तो राउटर एसपीएफ एंड नेटवर्क 192.168.2.0 देन 0.0.0.3 देन एरिया 0, क्योंकि आपको जो ये जो एरिया रखना है यहाँ से, ये वाला जो सबनेट है ये किस में रखे जाएगा आपका, ये एरिया 0 में रहेगा आपका। तो हमने इसको एरिया 0 में कर दिया, 0 में करने के बाद इसकी नेबरशिप वैसे बन जानी चाहिए। आ गया देखिए फुल सबनेट आपका बात आ गया आपका। अब हमारे पास क्या बचा है, इधर ये बचे हैं आपके दो, एक 5.0 का है और एक 6.0 का सबनेट। यहाँ मेरे पास एक 5.0 बचा और एक 6.0 बचा, मेरे पास इधर 5.0 बचा, इसका जीरो नहीं होगा ना, 1 होगा एरिया 2। 5.0 पहले तो इसमें कर देते हैं, 5.0 एरिया, इसका 1, इसका कर देते हैं एरिया 0, 1 और 2। फाइव हो गया, 6 कर दीजिए, 6 भी कर दीजिए इसमें आप, हो गया इसका भी हो गया, इसका और ऐसे ही करते हैं इसको, इसका मैं 2 करना है, इनेबल IPRU0 ठीक है ना। इसपे हमारे पास क्या 5.0 का रूट है, ये देखो OCONF.SPF router OSPF 10 network 0.0.5.0 ना, क्या करना है आपको, अब आपको आ जाओ इस वाले पर, हमारे पास एक नेटवर्क है OCONF.SPF राउटर OSPF 10 नेटवर्क 3.0.0.0 बस अब आप देख लीजिए SHIP RUT मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ
इसलिए हमने सारा काम जो क्यों किया मल्टीपल एरिया के लिए। देखिए जब हम एक सिंगल एरिया में डील करते हैं, देख रहे हैं आपका मल्टी एरिया का मतलब क्या होता है कि एक एरिया से नहीं आए, जब हम अलग अलग एरिया से डील करते हैं तो ओके सर आई ए लग जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, मैं आपको ये सारा दिखाने के लिए, जो सब एक एरिया का है तो इसलिए और दिख रहा है आपको ओके आई ए नहीं लगा हुआ क्योंकि सिंगल एरिया से बिलोंग कर रहा है आपका। आई ए का मतलब ओ एस पी एफ का मतलब ये हो गया, आई ए का मतलब क्या होता है ओ एस पी एफ इंटर एरिया, अलग अलग एरिया से क्या करना है बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास एक साथ अलग अलग एरियाज आ गए आपके, तो हम अलग अलग एरिया को भी कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये कि ये सारा का सारा नेटवर्क आपका आ गया। अब यहाँ से कोई बंदा जो बैठा है आपका ये बंदा 3.3.3.3 हम इधर बैठे हुए 2.2.2.2 से बात कर पाएंगे कैसे, पिंग कर भी देख लेते हैं। मैंने कहा पिंग कहाँ 2.2.2.2 मैंने उसमें 32 कर दिया था, 32 नहीं बना था तो मैं उसका नेटवर्क एड्रेस तो कुछ है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ये बात करनी है, यहाँ पे एक आई पी कितना है 3.2 है ना, एक बार 3.2 से बात कर देखते हैं 1.2.1.6.0.3.2 सर मतलब ये जो ओ एस पी एफ होता है वो बड़े एरिया के लिए रहते हैं, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा ओ एस पी एफ ही यूज होता है आपका। इसमें क्या कर सकते हैं अलग अलग जब मल्टीपल एरिया, इसमें क्या होते हैं अनलिमिटेड आउटर सपोर्ट होता है आपका, इसलिए हम एरिया वाइज चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। तो मल्टीपल एरिया से भी क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं, ये कंसेप्ट है। तो उसमें बहुत कुछ अभी आपका देखा जाए तो बहुत कुछ कंसेप्ट चलता है ऐसे सी आपका यूज होता है आगे, बट फिलहाल मल्टीपल एरिया बनता कैसा है, कैसे कैसे उस पर आई पी साइन करते हैं, किस तरह से आपका सबमिट यूज होता है आपका, उसके लिए आपका एक काम और कर देता हूँ उसमें सी ओ एन एफ स्पेस टी राइट इंटरफेस रूगर जीरो राइट इंटरफेस रूगर जीरो आ गए, इस पर नो आई पी एस कर दिया ठीक है ना, IP.0.3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 .0
करना एक बस में इधर चेंज कर देता हूँ सी सी ओ एन एफ कॉल की स्पेस टी एंड इंटरफेस बोल रहे हैं नो नो आई नो आईपी एड्रेस IP ADD address 2.2.2.2
सारे रूट दिख रहे हैं इधर मेरे पास है, कितने सारे रूट आए हैं सर, लिंक कर दिया इसमें 3.3.3.3 इसमें पैकेट जाना चाहिए एक बार SHIPINT interface BRILD पहले मैंने वो दे दिया पर मैं कह रही थी ये वैल्यू वही ले रहा है चलो कुछ नहीं बस हमारा कंसेप्ट में हो गया थोड़ा